तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार आमने सामने आ चुकी है। खजुराहो में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए और खजुराहो से कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसकी सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं दी और ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस मामले में बात करने के लिए कहा है। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के, यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था, संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं, उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरोत्तम मिश्रा के सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, इसीलिए कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में उनके परिवार और वकील को सूचना दे दी गई है। 24 घंटे में कालीचरण को कोर्ट में पेश किया जाएगा। भूपेश बघेल ने नरोत्तम मिश्रा से पूछा कि महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वालों से वो खुश है या दुखी है। भूपेश बघेल का कहना है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है, और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।